चढ़ा दिए चावल, तब तक हम घूम के आते हैं आगे तक। आजा चला लेते हैं। 6 पैकेट डाल देना ये बजा लेते हैं। नहीं सब डाल। तो ये रिस्क ना करें जो हम करते हैं वीडियो में, आपको बता रहे हैं आपकी सेफ्टी के लिए। आप बस वीडियो देख के आनंद लीजिए। पूरी मिर्ची फटाफट, पूरे टमाटर ढेर सारी लकड़ियाँ लेके, ये सबसे बढ़िया लकड़ी लाए हैं। अच्छी बात ये है यहाँ पे नेटवर्क के साथ साथ सुकून है, है क्या नहीं? बेहतरीन सुकून। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहना में और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सुल्तानगढ़। या पीछे ये गाड़ी देख रहे हैं, इसी गाड़ी से हमारी यात्रा हो रही है। ग्वालियर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर ये सुल्तानगढ़ वाटरफॉल पड़ता है, जिस जगह हम लोग जा रहे हैं। अभी मोहना के पास पहुंच चुके हैं, यहाँ से कुछ सामान खरीदी वगैरह कर रहे हैं और सामान एकत्रित करने के बाद यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले ही दोस्तों यहाँ पे आप लाइक का बटन दबा दीजिए और जो पार्ट आपको अच्छा लगता है उस पर कमेंट कर दीजिए और चैनल पे आज नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पर एक ढाबे के पास रुके थे, चाय का आनंद ले रहे हैं इधर पे खड़े होके। हमारे साथ सारा आए हैं, रेडीचंद सर, रॉनसन सर और भी काफी सारे भाई लोग हैं। ढाबा बढ़िया है, एकदम रोड के नजदीक ही और ये हाईवे। अपने मनीष भाई है, सामने गए थे अपने लिए पकौड़ी लेने। क्या क्या लिया भाई? दादा गर्मा गर्म नाश्ता मोहना का। अरे भाई लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और जब कहाँ से पानी भर के लाए? पेट्रोल पंप से? नहीं, उस वाले मकान से, उन भैया से। अच्छा, चलो बढ़िया। तो बैठो, ये सब सामान वामान लाए हैं जो आज बनेगा खाएगा झूले के अंदर। हाँ भैया बराती आ रहे हैं। पुपा आ जाओ, आ जा पुपा जी, जल्दी बैठो। से आगे बढ़ के हमें ब्रिज मिला है और इसी के नीचे से जो पानी जाता है वही जाके सुल्तानगढ़ वाटरफॉल बनाता है। गाइस मोहना से काफी आगे आना पड़ता है, सामने एक ब्रिज दिख रहा है आपको जैसा कि देख रहे हैं वो। उस ब्रिज से थोड़ा सा आगे आके ये पहाड़ों के जस्ट सामने से इस वाली पट्टी पे यहाँ से रास्ता जाता है अपना सुल्तानगढ़ वाटरफॉल के लिए। अब यहाँ से जो रास्ता है वो पूरा कच्चा है, गाड़ी हमारी बड़ी ऑफ रोड करने वाली है। काटो, बड़ा खतरनाक रास्ता है, पूरा जंगली इलाका है, हर तरफ यहाँ पे जंगल देखने को मिलेगा। रास्ता कुछ इस तरह का जैसा कि बताया, यहीं से होते हो आगे बढ़ना पड़ेगा। चलते हैं। पहुंच गए हैं सुल्तानगढ़ वाटरफॉल, कुछ ही देर में आपको झलक दिखाते हैं। सब भाई लोग उतर रहे हैं धीरे धीरे, मन निकाल रही है हम लोगों ने गाड़ी से। अब हम लोग जा रहे हैं अपने स्पॉट पर और सामने चल रहा है खूबसूरत सा झरना, वो दिखाते हैं थोड़ी देर में। चल रहा है सामने वाटरफॉल बढ़िया, और ये जगह है जो झरने के करीब लेके जाती है। ये जगह जितनी सुंदर है उतनी ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि बारिश के समय यहाँ पर लगता है बैन, अगस्त सितंबर के समय यहाँ पर आना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर आने नहीं दिया जाता है। तो आप लोगों को ये बता दूँ, थोड़ा ध्यान रखें और जब भी आप आएँ सर्दी के मौसम के आसपास आएँ, दूर बैठें झरने से और अपनी पार्टी एंजॉय करें। बाकी सब तरफ से यहाँ का नज़ारा खूबसूरत है जैसा कि आप देख रहे हैं। आ जा मेरे भाई, संभल के आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। बढ़िया जगह है यार, बहुत शानदार जगह है भैया, आराम से आना सर। यस, किसी प्रकार का बोट तो नहीं है परंतु ये पहाड़ पे लिख रखा है कि वाटरफॉल के करीब जाएं तो मदिरा पान का सेवन ना करें। हम लोग खोज रहे हैं पेड़ क्योंकि धूप तेज हो चुकी है और शेल्टर जैसा हमें मिल गया है, यहीं पर ही बैठ के आज खाना बनाने वाले हैं। सारा सामान हमारा आ रहा है धीरे धीरे, भाई लोग लेके आ रहे हैं। तो आ जाओ, बारिश भी आया है बाई चांस तो यहाँ अपन बस सकते हैं। यहाँ का खूबसूरत नजारा सामने है वाटरफॉल और ये पास है हमारी बैठक, यहाँ पर बैठ के हम लोग बनाने वाले खाना शेल्टर टाइप का, और यहाँ बैठ के चूल्हा बनाते हैं, खाना वगैरह इधर हो जाएगा, इधर टेंट लग जाएगा और सामने के व्यू को एंजॉय करते रहेंगे बैठ के। पूरा पथरीला इलाका है पर यहाँ पे चूल्हे के लिए पत्थर नहीं मिल पा रहे थे, तो थोड़े बहुत पत्थर दूर दूर से जाके हमने इकट्ठे किए हैं, पत्थरों से यहाँ पे हम लोगों ने चूल्हा तैयार कर लिया है। यहाँ बढ़िया लकड़ी भी हमें मिल गई है, ऊपर से भाइयों ने तोड़ तोड़ के फेंकी इधर पे। शिकारी आके बैठा, देखो हमारे रोंजन सर है, बढ़िया मोबाइल इन्हें स्टैंड पे लगा दिया है और यहाँ से ले रहे मजे आनंद वाटरफॉल के। अति सुंदर नजारा है, अति सुंदर, पर जितना ही सुंदर है उतना ही खतरनाक भी है। ज़्यादा बारिश होने पे पानी कब तेज़ी से यहाँ बढ़ जाए कोई गारंटी नहीं।
ये लादी है चूल्हा तैयार है, सब्जियां कट रही हैं। हाँ सब तरफ लगी हुई ऊपर की तरफ, ये ले आए हैं, चूल्हा जलने में आसानी होगी। आग लगने की तैयारी, खाना बनने की तैयारी। पकड़ ली अपनी अपनी व्यवस्था, वो देखो कहाँ सो रहा है, ये काम नहीं करा रहा है। यहाँ मनीष भाई काट रहे हैं बढ़िया प्याज, साथ में अंकित भाई उनका दे रहे हैं साथ, ये खड़े होकर वीडियो बना रहा है। टमाटर काटने की बारी है, रोने सर फूक मार रहे हैं। अच्छी बात ये है यहाँ पे नेटवर्क के साथ साथ सुकून है या नहीं, बेहतरीन सुकून। इसके अंदर है कोल्ड ड्रिंक, सबकी सब पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, और पत्तल हमारे उड़ना शुरू हो गए, मस्त हवा चल रही है। उबालने के लिए डाले थे अंडे हमारे, ये पूरी तरह से उबल चुके हैं, इसको छीला जा रहा है क्योंकि मैंने चिकन छोड़ दिया है, मैं अंडे ही खाता हूँ, तो मेरे लिए स्पेशल अंडे हो गए मेरे लिए अंडे। भाई डाल दे इसमें प्याज, अंडों में इसमें ऑयल में कड़ा मसाला डाल दे। मैं आ गए ढेर सारी लकड़ियां लेके, ये सबसे बढ़िया लकड़ी लाए हैं, इससे पहले जो लाए थे वो पूरे कांटे थे। ये देखो, अरे फटाफट अदरक लहसुन पेस्ट डालो, मिलाओगे ऐसे डायरेक्ट डालो, दे पूरा 6 पैकेट डाल देना, एक बचा लेंगे तेरी, नहीं सब डालो, 6 पैकेट डाल चुके अदरक लहसुन पेस्ट के, पूरे टमाटर अच्छे से भुंज गया, मसाला पूरी मिर्ची फटाफट, भगत जी का मसाला, मिर्ची ज्यादा तो नहीं है लाल वाली, नहीं है पूरा पटक दे। ये देखो मैं कितने ले आया, ज्यादा ले आया तो भी खाना पड़ेगा। हाँ गुड, ढेर सारी लकड़ियाँ, रोनसन सर मेहनत करके लाए हैं, ऐसा लगती है। तुम कहाँ घूम रहे हो, इधर इधर लकड़ी नहीं मिली, जी कौन से कहाँ से लेके आया लकड़ी, ये वो उल्लू बनाता है, खाली घूमने आया बस। डाल दो, हो गया, चला दो उसको अच्छे से, गुड मस्त। संघर्ष करने के बाद दोस्तों ग्रेवी हमारी हो गई है पूरी तरह से तैयार, कलर देखिए आप, एक नंबर। और ये चिकन है जो कि 2.5 किलो हम लेके आए हैं, खाने वाले 7 जने मेरे को छोड़ के, अब बारी बारी से इसको भूजता हूँ, बनाता हूँ, मेरे को बनाने का बहुत शौक है। ओए धनिया काटो, सर को काटने दे रहे तुम लोग, सर हमारे मेहमान है, ये देखो मेहमानों से धनिया कटवा रहे हैं, वो खड़े इधर, इधर जल्दी आ धनिया काट, बदमाशी कर रहे हैं, नजारे का आनंद उठाने के लिए भाग रहे हैं इधर उधर, और बहुत तेज साउंड आ रहा है भाई साहब, ये झरने का पानी काफी तेज हो चुका है, ये देखिए आप, है ना सुंदर, अभी आपको दिखाएंगे, अच्छे से घुमाएंगे फिराएंगे, बढ़िया फोटोग्राफी करेंगे, यहाँ की रील्स वगैरह बनाएंगे, आपको इस जगह का भरपूर आनंद दिखाएंगे कि पास से नजारा कैसा दिख रहा है। आप लोग तो बहुत दूर हैं लगभग अभी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग खाना बना रहे हैं, पहले खाना तैयार हो जाए, उसके बाद खाना छोड़ के फिर थोड़ा पास में घूमने जाएंगे, आपको यहाँ के खूबसूरत नजारे दिखाएंगे, मजे करेंगे आज। जाओ चावल वावल धो गया, बढ़िया बढ़िया शुद्ध पानी से, चिकन पक गया है, थोड़ा चला लेते हैं, बनाना एक नंबर धुआंधार। मिट्टी की बारी है, अब चिकन हमारा रेडी हो चुका है भाई लोगों के लिए, जो मैंने बनाया मेहनत से, उठा ले साइड में रख दे, वहां पे ले जाके चिकन रेडी हो गया, अब बारी है चावल, ये रखा है इसको पकाने की, इसका काम करेगा बबलू भाई, चावल पकाएगा, चल 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 डालेगा, पकड़ा गया नहीं मत डाल, आग जल रही है, हल खाने और ये लोग टूट पड़े हैं, देखो काव 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 कर रहे कौवे की तरह, कैसा बना है, जबरदस्त यार, बढ़िया देंगे देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे, बहुत वाटरिंग फिंगर लिखी, लाजवाब खाते खाते चल, चावल देखते रहना तुम लोग, तू चल पागल है, लो आना थोड़ा देखते हैं, यहाँ से पहले आपको नजारे दिखा देते हैं, ये देखिए सुंदरता इस वाटरफॉल की, काफी ऊंचाई से फॉल गिर रहा है, और ये फॉल की ऊंचाई पे मैं खड़ा हूँ तो देखने में छोटा लग रहा है, पर बाकी में आप नजरों से देखोगे तो बहुत बड़ा वाटरफॉल है, बारिश में ये पूरा यहाँ से लेकर वहां तक चलता है, वो एक अद्भुत नजारा होता है। झरने के करीब जा रहा हूँ आपको नजारे दिखाने, तो पास आगे कितना बड़ा दिख रहा है, ये साइज इसका, ये ऊपर नीचे की तरफ गिर के बहुत बड़ा फॉल बन रहा है, जो कि ऊपर से पास आगे नजारा देखने को मिल रहा है, कितना पानी है, ये जो रूप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ का है, इसके बाद फिर एक बड़ा वाटरफॉल जो दो भागों में वो नीचे की तरफ बनता है, वो दिखा देते हैं। चलो हम लोग जा रहे हैं बड़े झरने के करीब, सारे लोग आए होंगे यहाँ पे, चूल्हा बनाए खाना बनाया है नीचे की तरफ, और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टाने दिख रही है पास में आके,
इस पे गलती से पैर मत रखना, ये स्लिप होने के लिए रहता है, मतलब पूरी तरह से काई जम चुकी है और जितने भी सफ़ेद जगह दिख रही है उसी पे चलना है और बारिश आए तो यहाँ पर नहीं पहुँचना है इस जगह पे। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है, कब पानी पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है, कहेंगे नहीं राज भाई। भाई सही बात है, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, साथ में है सुंदर सा वाटरफॉल जो कि ऊपर के पानी से आके नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो पहली बार मैं झरने के इतना करीब आया हूँ, ये देखिए बह के इस तरह से नीचे निकल जा रहा है, काफ़ी बड़ी नदी बनाते हुए। हम लोग कितनी दूर से चल के आए हैं उस तरफ से, राज भाई आ चुका है। जैसा है जैसा कि आप देख रहे हैं बड़ी चट्टान है, इसके ऊपर से पानी गिर रहा है, मस्त क्या आवाज आ रहा है यार, क्या साउंड आ रहा है यहाँ पे, मज़ा ही आ गया देख के। लाइफ में पहली बार इतने करीब से झरने को देख रहा हूँ मैं, जितनी बार भी आया हूँ ऊपर से आया हूँ, क्योंकि अभी पानी इतना ज़्यादा नहीं है तो यहाँ तक आ सकते हैं। जो कर रहा हूँ मैं वो आप ना करें। बैठ के हम दोनों भाइयों ने काफ़ी सारी फोटोज रील्स वगैरह बनाई है, वो आप हमारे इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा, पर जो चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पर वो आप ना कीजिएगा, ये बार बार मैं बता रहा हूँ। आदत हो चुकी है इन सब जगह पे जा जा के, इस तरह से अनुभव है कि किस जगह पैर रखना है कहाँ नहीं रखना है। आप लोगों से गलती से कीचड़ में यार काई में पैर रख लिया तो आप स्लिप होके नीचे जा सकते हैं, फिसल के नीचे जाओगे, तो ये रिस्क ना करें जो हम करते हैं इस वीडियो में आपको बता रहे हैं आपकी सेफ्टी के लिए। आप बस वीडियो देख के आनंद लीजिए, चलते हैं। बहुत अच्छा नज़ारा था पास का, ठंडी ठंडी हवा का एहसास हुआ, मज़ा आया, चलते हैं अब खाना खाते हैं। खुल गया है, अब मौसम ऐसा नहीं रहा कि पानी आएगा, अब बढ़िया लग रहा है, हवा का आनंद अलग ही है। देखिए भाई लोग कहाँ खड़े होंगे काफ़ी ऊंचाई पर, अब जाते हैं खाना खाते हैं जैसे कि अभी बताया मैंने। पत्थर मार्बल जैसे लग रहे हैं ना, सारे मार्बल वाले ही हैं, तभी ये खदान बना दिए ना, मस्त बन गया है, चिकने पत्थर है एकदम चॉकलेटी कलर के, वहाँ व्यू का आनंद लेते हुए खाना खाएंगे। सेलेक्ट किया, यहाँ है खाना, सामने है नज़ारा, आप पंगत सच चुकी है खाने के लिए, बढ़िया नज़ारों का आनंद लेते हुए पी लो, खत्म है खाने से पहले स्प्राइट पी रहे हैं। क्या मस्त खिले खिले चावल, तेल डाल दे तो तेल सही है ना, हो चुकी है मेरी थाली, साथ में है अंडे ग्रेवी और जो चावल, बाकी भाई लोग आनंद ले रहे हैं मस्त चिकन ग्रेवी का। अंकित भाई आ गया भाई, फटाफट निपटाते फिर मिलते हैं। भोजन मेरा हो गया है, भाई लोग अभी कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लेटा हूँ, अब बहुत सुकून मिल रहा है मेरे को, ये झरने की जो आवाज सुनाई दे रही है जो गिर रहा है यहाँ से, बहुत आनंद दे रहा है। आज का दिन कैसा रहा? एकदम शानदार, बहुत मस्ती करी भाई लोगों ने, बढ़िया खाना बना, इस नज़ारे को एंजॉय किया, बढ़िया। हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ग्वालियर के आसपास की जो जगह है उसके ऊपर टूरिज्म काम करे, ताकि सैलानी लोग यहाँ पर आएं और आसपास ऐसी कोई सुरक्षा दीवार नहीं है, कोई सुरक्षा बाउंड्री नहीं है, वो यहाँ पर की जाए ताकि ग्वालियर के पर्यटन को ज़्यादा बढ़ावा मिले और सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर पहले काफ़ी ऐसे दुर्घटना हुई हैं, वो आगे ना हो। और इस वीडियो में मैंने कई बार आपको बताया है कि पानी के नज़दीक ना जाएं, जो कार्य हम करते हैं वो आप ना करें। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय।